Solar Eclipse, which is written by Virginia Woolf. स्टूडेंट्स, ये सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड वीडियो जो कि हमने इस टॉपिक में, जो कि हमारा टॉपिक है सोलर एक्लिप्स, आप इसमें देख सकते हैं. ये सोलर एक्लिप्स मुकम्मल सूरज ग्रहण, छोटा सा क्लिप आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए. आइए मज़ीद इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. द सोलर एक्लिप्स आप लोग सब खैरियत से होंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक पार्ट टू, मॉडर्न एसे नंबर सेकंड है, द एक्लिप्स ग्रहण. द एक्लिप्स राइटर जो है वो वर्जीनिया वुल्फ है, जो कि 25 जनवरी 1882 में पैदा हुई है और 28 मार्च 1941 में की डेथ हुई है. बड़ी इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर थी जो कि लंदन में पैदा हुई. और मैं ये पढ़ने से पहले ये ख्याल कर रहा था राइटर के अबाउट, राइटर की जो दुनिया है, जो उसकी तख्लीक है, जो उसके जहन की वसत है, जो उसका ख्याल अंगेजी है, उसकी कोई सरहद नहीं होती, उसकी कोई डिवीजन नहीं होती. हमेशा राइटर जो है वो ब्रॉड में है. राइटर किसी भी कंट्री के हैं वो हमेशा जो है वो उनकी एक ही एक नज़रिया होता है, उनके एक ही ख्याल होता है, जिसके मुताबिक जो है वो अपनी लाइफ स्टाइल उनका वो होता है कि उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और उनका लिखने का अमल भी वही होता है. इसी तरह ही वर्जीनिया वुल्फ जो थी उसका भी एक ये ख्याल था, ये एक मॉडर्निस्ट राइटर थी. और हम बहुत से दूसरे राइटर्स के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, चूँकि राइटर की दुनिया जो है उसकी अपनी जो एक तकलीक है वो हमेशा दूसरे राइटर के साथ जरूर मैच करती है. एक्लिप्स के टॉपिक को लेकर वर्जीनिया वुल्फ ने उसको एक्सप्लेन किया और फास्ट से भी उसको रिलेट किया कि हमेशा एक्लिप्स के ऊपर किस तरह लोगों की राय रही है और लोग किस तरह यानी कि उसको उसकी तरफ मूव करते हैं और क्या 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 सराइयाँ होती हैं. हम इसको ऐसे से जो है पढ़ के इसको क्लियर करते हैं, आप फॉलो कीजिएगा इसको. The short essay tells us graphically about a complete solar eclipse. मुकम्मल जो है वो सूरज ग्रहण के अबाउट जो है वो बताता है. One morning in June in England, एक सुबह, जून की एक सुबह, इंग्लैंड में, numberless people looked at the sky. बेशुमार लोग, numberless बेशुमार लोग जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, वो आसमान की तरफ अपनी नजर दौड़ाते हैं. The sun rose. सेकेंड फॉर्म है, द सन रोज, नुमाया होता है, वॉज एक्लिप्स एंड लेटर केम आउट ऑफ एक्लिप्स. पहले एक्लिप्स से पहले भी वो फ्रंट पे आता है, सामने आता है उसका आना, और एक्लिप्स के बाद भी जो है उसका मंजर जो है वो खूब ही देखा जा सकता है. द वर्ल्ड बिकेम डार्क, जो दुनिया जितना उसका आता है जिस जगह पे ग्रहण लगा, चूंकि तो आपको पता है डिवीजन होती है इसकी, तो जहां जहां ग्रहण लगा वहां वहां जो है वो उसका वैसे अंधेरा छा जाना. एंकर बिकेम डार्क एंड फुल ऑफ लाइट, उसमें रोशनी है और डार्कनेस है. सो वन साइड उसकी डार्कनेस की उसको वाजे कर रही है और दूसरी साइड जो है उसकी रोशनी की है. इट वॉज लाइक रीबर्थ ऑफ दार्क, जैसे अर्थ की दोबारा उसको रीबिल्ड किया जा रहा है, रीबर्थ है उसकी, ठीक है, उसको दोबारा जो है वो उसका जन्म हो रहा है. क्योंकि आप ये देखें, हमेशा रोशनी के बाद अंधेरा है और अंधेरे के बाद रोशनी है, तरीके के बाद. ये तो एक दुनिया का निज़ाम है जो कि अल्लाह पाक की तरफ से बना हुआ है. और इसी तरह ही जो है वो एक्लिप्स का भी एक यही नज़ारा था. कहते एकदम से अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छाने से मुराद ये होता है कि उसका डूब जाना, तमाम अर्थ का, तमाम लोगों का, उस तमाम जो है वो
अंधेरे में डूब जाना और फिर उसके बाद दोबारा नुमाया होना, उसका एक्लिप्स का हटना, एकदम से रोशनी चलना, और क्या है कि वो एकदम से रोशनी नुमाया होती है, उससे क्या होता है, वैसे कह रहे कि उसकी रीबर्थ हुई है, ठीक है, दुनिया की रीबर्थ होना उसका। नेक्स्ट, दिस इज अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सोलर एक्लिप्स। One June morning, the eclipse was going to take place. Everybody was excited and was on the way to an open place to see the eclipse. सारे जो है वो खुली खुली अपनी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे उसका नज़ारा कर सकें। अच्छा, मैं इसका पास रिलेट आपको कर दूँ। ये ज़्यादातर लोग किस तरह मूव करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ मूव करते हैं, पहाड़ी एक मुकाम पर जाके खड़ा हुआ जाए, या साइलेंस मंदिर पर जाके खड़ा हुआ जाए, या कोई ऐसे मैदान पे जाके खड़ा हुआ जाए जहाँ पे उसको नज़ारा कर सके, ठीक है, फ्रॉम एवरी एंगल, ठीक है, क्योंकि खुला मैदान है, फ्रंट पे आपके उसके सूरज है, ग्रहण लगा हुआ है, और वो अपने ग्लासेस या अपने सोर्सेज के साथ उसको जो आपके आगे वो ग्लासेस लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, उसके जरिए वो उसको देख रहे हैं और उसकी क्या सराहियाँ हैं या उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देन बताएंगे, ठीक है, जो जो उसका नजारा करता है अपने अपने व्यूज में, अपने अपने वर्ड्स में। द राइटर हरसेल्फ वेंट विद मेनी अदर्स टू द एस्ट्रल रेलवे स्टेशन। के राइटर जो है वो एस्ट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ मूव करता है और बहुत से दूसरों के साथ जो है वो उस तरफ रागिब होता है, उस तरफ मुतवज्जो होता है, उसका रास्ता रहता है जहाँ पर उसको देखा रहे, यानी खुली जगह की तरफ जा रहे हैं। Where from train was just to leave for north, northern areas की तरफ जा रहे हैं और ट्रेन का भी करीब ही वक्त होने वाला है और राइटर भी दूसरे लोगों की तरह दूसरे लोगों के साथ ट्रेन में सवार होता है। Many trains all over England were going north so that people might watch the eclipse carefully. कि पीपल जो है वो बड़ी केयरफुली बड़ी एहतियात के साथ जो है वो एक्लिप्स को देखने के लिए वो उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। As it was going to be full eclipse, people were interested in watching that. कि वो लोग जहाँ जिस तरफ मूव कर रहे हैं, चूंकि ये इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं लोगों के, कि लोग इसलिए ट्रेन में सवार हो रहे हैं, कुछ लोगों के करीब ही नॉर्दर्न एरियाज में वो रहते हैं, वो करीब ही किसी पहाड़ी पर जाएंगे क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड हैं और वो इसको देखना चाहते हैं, इसका नजारा करना चाहते हैं। नेक्स्ट, पीपल वर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट सो दे हरिड वर्ड्स, बड़ी जल्दी के साथ उसकी तरफ रागिब होते हैं, मतवज्जो होते हैं। द ओपन नॉर्दर्न कंट्री साइड एगरली, बड़े शौक के साथ, बड़े जज्बे के साथ, ठीक है, वो एक नॉर्दर्न एरिया की तरफ वो अपना रास्ता लेते हैं। अच्छा, नॉर्दर्न एरिया की तरफ कैसे रास्ता लेते हैं, क्यों लेते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, या मुदान की तरफ जाएंगे किसी, या किसी नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाएंगे, साइलेंस मंदिर की तरफ जाएंगे, जो कि खुला एरिया है, पहाड़ी मुकाम का ये होता है कि वो एक ऊंची जगह, वहां पर इसको भी देखा जा सकता है। एवरीथिंग वॉज पेल, एक चीज जो थी वो जर्द पड़ रही थी, ठीक है। एज द पीपल वेंट नॉर्थवर्ड द विलेजर्स लुक एट देम विद सरप्राइज, जो वहाँ के विलेजर्स थे, ठीक है, वो उनकी तरफ देख रहे हैं और बड़ा सरप्राइज नहीं देख रहे हैं, हैरान होकर देख रहे हैं कि ये लोग इतने ज्यादा क्यों इस तरफ मूव कर रहे हैं, बल्कि इसलिए मूव कर रहे हैं कि वो एक्लिप्स देखना चाहते हैं, ठीक है, वो ग्रहण जो लगा हुआ है, बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड एज देयर वाज सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल्ड एट सच एन ऑड आवर्स सो एक्साइटेडली। कहता है वो एक अजीब सा टाइम पे, यानी कि लोग, मतलब आप ये देखें, लोगों के जाने का जो एक टाइम है, ठीक है, लोगों के उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर टाइमिंग है, ट्रेन पे सवार हुए हैं 9 से 5 बजे तक उनका जो है वो एक सफर जारी होता है, ठीक है, या उन्होंने कहीं जाना है, जॉब पे जाना है, किसी जरूरी काम से जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि लोग जो है वो इस रास्ते को निकले हैं तो एक बेतरतीबी की टाइम है उसमें, वो सुबह सुबह निकल गए हैं, वो सुबह सुबह 5 या 5:30 6 बजे निकले हैं और शाम वो किस लिए निकले हैं, एक्लिप्स के लिए निकले हैं, ग्रहण देखने के लिए निकले हैं, ठीक है, और इसलिए वो लोग वहाँ के हैरान है कि लोग बेतरतीब टाइम के अंदर जो है वो आ रहे हैं। द ट्रैवलर्स सीम्ड, जो ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, सीम्ड दिखाई देते हैं टू ही सो कीन, तो बड़े मोहताज दिखाई देते हैं, बड़े शौकीन दिखाई देते हैं, एज इफ दे हैड सम अपॉइंटमेंट, जैसे उन लोगों ने कोई एक अपॉइंटमेंट रखी हो, एक मुकर्रर वक्त रखा हो मुलाकात का, टू कीप, ठीक है,
कि वो किसी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और सारे के सारे उस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, उस रास्ते की तरफ कि जब वो सूरज निकलेगा, ठीक है, और उसके बाद ग्रहण लगेगा तो उस टाइम से, उस मखसूस टाइम से पहले ही लोग एक गट में, एक मास की सूरत में, नॉट इंडिविजुअल, एक मास की सूरत में वहां खड़े हो जाते हैं, ठीक है. When all eager ladies and gentlemen reached at the foot of the hill where snow was present, okay? जितने शौकीन ladies and gentlemen हैं, ठीक है, जितनी उनके अंदर खवातीन हैं या वो मर्द हज़रात हैं, और ना सिर्फ मैंने पहले भी कहा ये लोग हैं, इनके दरमियान राइटर्स भी हैं, ठीक है, उनमें लेडीज राइटर्स भी हैं इनके दरमियान और मर्द राइटर्स भी हैं, ठीक है. एंड जेंटलमैन रीच एट द फुट ऑफ द हिल वेयर स्नो वाज प्रेजेंट, जहाँ पर जो है वो बर्फ बिखरी पड़ी है, ठीक है, उन पहाड़ियों पर, और वहाँ पर जो है वो जाकर खड़े हो गए. अच्छा, ये एक ऐसी बेतरतीबी है, लोग इसलिए भी हैरान हो रहे हैं कि एक सुबह का टाइम है और वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है आवाम. वजह क्या थी इसके अंदर? वजह ये थी कि वो ग्रहण जब लगना था उसका टाइम जो था वो एक उस टाइम था कि जहाँ जब उनकी एक रूटीन का एक डे जो है वो स्टार्ट नहीं होता और सूरज निकल आता है और वो क्या है कि वो उनके ऊपर ग्रहण लगना है. इस वजह से क्योंकि लोग जो अपनी रूटीन के मुताबिक चलते हैं, सुबह ऑफिस जाना है 9 बजे जाना है तो 5 बजे तक जो है वो उनका ड्यूटी करवानी है, तो फिर तक उस टाइम के अंदर लोगों की आमतौर का एक टाइम है. लेकिन उससे पहले क्या है जाना, इसलिए वहाँ लोग जो है वो हैरान है और वो बर्फ भी पड़ी हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो सारे जो जुम्म बन गया वो जमा हो रहे हैं. दे वर नॉट इंडिविजुअल्स बट ओनली अ मास, कि वो सिर्फ इंफरादी तौर पर नहीं है, वो एक मास की सूरत में है, गट की सूरत में है, एक जुम की सूरत में है, ठीक है. दे स्टूड देयर एट द फुट ऑफ द हिल इन अ लाइन एज द ओल्ड सेविज माइट हैव स्टूड एट द फुट ऑफ रॉक्स फॉर देयर डेली वर्शिप, कि जैसे गैर मुहासिब लोग जो थे, गैर मुहासिब से मुराद ये होते हैं मुशरिकीन हैं, वो मुख्तलिफ जो है वो खुदाओं को पूजते हैं, मानते हैं, जैसे सूरज की पूजा करने वाले भी हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे सुबह सुबह जो है वो उनकी एक इबादत का एक टाइम होता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो जो पुराने वक्तों के लोग थे वो भी यानी कि यहाँ पर आया करते थे, वो अपनी बात किया करते थे. इसी तरह ही ये लोग भी सुबह सुबह, आज का दिन ऐसा था कि जैसे वो पुराने लोग थे, उस तरह के ये लोग एक्ट कर रहे थे और वहां पर जमा हो रहे थे. आउट ऑफ द कार एंड रन हियर एंड देयर, और वो लोग भी इधर मूवमेंट कर रहे हैं जिनको उन्होंने भी ग्रहण देखा है. सून द सन स्टार्टेड टू राइज, जल्द ही जो है वो सूरज उभरना शुरू होता है, दिखाई देना शुरू होता है, ठीक है. देयर वर क्रैक्स इन द क्लाउड्स, जहाँ पर जो है वो क्लाउड्स में जो बादल है उनमें शगाफ पड़ जाते हैं. द टाइम फॉर द स्टार्ट ऑफ द एक्लिप्स वॉज ड्रॉइंग nearer and nearer, कि जहाँ पर जो है वो बनना शुरू हो जाना, ड्राइंग बनना शुरू हो जाना, नुमाया होना, ग्रहण का नुमाया होना, तो वहाँ करीब ही क्या है कि वो ग्रहण बनना शुरू हो गया है, ठीक है, और लोग जो है बड़े एक्साइटेड है, ठीक है, उसको देखने के लिए. आप ये देखें कि जैसे हम लोग ग्रहण लगता है तो उसके अंदर एक मखसूस टाइम बताया जाता है कि इस टाइम पे पीक पर होगा, अभी ये स्टार्ट है ग्रहण लगने का, तो क्या है कि लोग एक्साइटेड है. जब वो अपनी पीक पर होगा तो लोग और ज्यादा एक्साइटेड होंगे उस लम्हे के लिए, तो जब उसको वो कैप्चर्ड करेंगे और उसको वो देखेंगे अपनी आंखों देखा हाल, वो फिर लोगों को बयान करेंगे. नेक्स्ट, एट लास्ट द एक्लिप्स स्टार्टेड, ग्रहण शुरू होता है. देयर वर क्लाउड्स मूविंग ओवर द फेस ऑफ द सन एंड द सन सीम टू रन अ रेस, कि सूरज जो है वो ऐसे फाइट कर रहा है, वो उन बादलों से निकलने की कोशिश कर रहा है, दौड़ रहा है. जब बादल जो है उसके फेस पर आते हैं तो एक्लिप्स जो है वो नुमाया होता है, तो क्या होता है कि वो अंधेरा छा जाता है. द टाइम ऑफ टोटल एक्लिप्स वाज टू बी 24 सेकंड्स एंड द पीपल सॉ द सन गोइंग इनटू डार्कनेस स्लोली द स्ट्रेटली, आहिस्ता आहिस्ता. क्या है कि सूरज गहराई की तरफ जा रहा है, तरीकी की तरफ जा रहा है और अंधेरा छाने वाला है, ठीक है, कि जिससे लोग जो है उसे देखने के लिए, और वो उसका बड़ा टाइम लिमिटेड है, ठीक है, तो टाइम के ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है. जो वर्जीनिया वुल्फ ने उसके ऊपर फोकस किया है टाइम का, वो 24 सेकंड्स है. जो वो कह रहे हैं 24 सेकंड्स के लिए ग्रहण लगना है और इतना ही ज्यादा होल्ड होगा कि वो इसको बखूबी देख सके और लोग वहां जो आ रहे हैं उसको देखने के लिए.
the secret. 24 seconds began. The clouds seemed to eat up the sun totally. के ऐसे clouds दिखाई दे रहे हैं कि जैसे वो totally sun सूरज को खा लेंगे. ठीक है. During this short but breathtaking period. ठीक है. Be lifeless and dark for the time being. के जो world है, दुनिया जो है, वो seemed ऐसे दिखाई देती है to be lifeless. ठीक है. कि जिंदगी खत्म हो गई हो जैसे बिल्कुल lifeless and dark. इतनी तरीके में डूब चुकी है कि फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, कि उस लम्हे में, उस टाइम में, उस वक्त में क्या है कि दुनिया जो है वो बिल्कुल लाइफलेस है, मतलब और डार्क है, तरीके में डूब चुकी है. द कलर्स ऑफ द थिंग्स सीम टू चेंज. जितनी चीजें हैं उनका कलर जो है वो चेंज दिखाई देता है. अच्छा, यहाँ पर एक ये भी सवाल आप लोगों का पहला जरूर हो सकता है, या आप लोग जरूर यह सवाल जो है वो जरूर माइंड में आता है कि ऐसा सीजन भी तो हो सकता है ना, सर्दियों में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि सूरज जो है वो किसी दिन निकलता नहीं है, बादल आ जाते हैं, या किसी भी सीजन के अंदर, वो समर सीजन है, वो विंटर सीजन है, वो कोई भी आपका सीजन आ जाता है. ठीक है, उसमें क्या है कि आपका सूरज जो है नुमाया समटाइम लेट होता है, देन भी तो हो सकता है ना, ये समटाइम बादल आते हैं तो भी ग्राउंड में तो आ सकता है ना. लेकिन आपको ये बात मैं यहाँ एक्सप्लेन करता जाऊँ, वाजे करता जाऊँ कि यहाँ पर जो एक्लिप्स का एक तरीकाकार है वो बिल्कुल डिफरेंट है. बादल नुमाया होना सूरज के आगे, वो मध्यम पड़ जाना, उसका स्टिल एक कलर रहता है. ग्रहण सूरज का कलर चेंज कर देता है. ठीक है, उसके अंदर उसकी रोशनी बदल देता है. उसके अंदर उसका ग्रहण जब लगता है, बादल आगे आते हैं, तो क्या होता है कि वो अंधेरा छा जाता है या लाइफलेस हो जाता है वर्ल्ड. वो उसके अंदर एक उसकी खूबी है ग्रहण की. ठीक है, कि वो क्या है कि ग्रहण का एक मखसूस टाइम है जिसके अंदर ऐसा होना है और कलर्स डिफरेंट हो जाने हैं चीजों के. ठीक है, नेक्स्ट. द ब्लू टर्न टू पर्पल. जो ब्लू है वो गुलाबी में जो है बदल जाता है. एंड द पिंक, और जो गुलाबी है, ठीक है, पर्पल नारंगी रंग में बदल जाता है. और जो गुलाबी है वो जो है वो टर्न टू ग्रीन, वो सब्ज रंग में बदल जाता है. इसमें कलर चेंज हो जाते हैं. ठीक है, इट सीम्ड एज इफ द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ द वर्ल्ड हैड गॉन डेड. कि वो जो ब्लड है वो डेड मर्ज खत्म हो चुका है, यानी कि मर चुके हैं, डेड हो जाना, मुर्दा हालत होना. ठीक है, जैसे बेरौनक हो जाना, बेरंग हो जाना दुनिया का. ठीक है, आफ्टर द डेड, द डार्क, आफ्टर द डेड एंड डार्क 24 सेकंड्स, द सन स्टार्टेड टू रीगेन इट्स लॉस्ट लाइट. कि सूरज जो है वो दोबारा नुमाया होना शुरू करते हैं. वो जो अपनी लाइट खो चुका होता है उसे दोबारा जो है वो नुमाया करता है. उसमें दोबारा जो है वो रीगेन, दोबारा जो है वो वापिस आ जाता है. ठीक है, जिससे जो है वो दुनिया वो जो है वो लाइफफुल हो जाती है, देरे छट जाते हैं, हर कलर का रंग नुमाया दिखाई देता है, जो कि फितरत का एक रंग है. ठीक है, जो दियो है, ये निजाम फितरत ही तो है कि जो ग्रहण का लग्न है और फिर उससे उसके बाद सूरज का दोबारा जो है वो अपनी सही रंगत में आना, वो भी तो एक उसके निजाम इलाही है. उसमें चीजों का रंग जो है वो नुमाया दिखाई देता है जैसे असल सूरत में होते हैं. द फैक्ट्स ऑफ द पीपल बिगन टू स्माइल. फैक्ट के दोबारा स्माइल आ गई है. जहां मायूसियां और जहां पे चेहरे ढल चुके थे, जहां पे दुनिया का जो तरीके छा गई थी उसमें क्या हुआ कि उससे क्या है कि दोबारा स्माइल वापिस आ गई है चेहरों पर. ठीक है, दोबारा रौनकें लौट आई है, चूंकि असल ब्यूटी फिर से आ गई है. असल ब्यूटी क्या है, तो वो सूरज का अपनी नुमाया रोशनी देना, अपनी झलक देना और लोगों के चेहरों का खिल उठना. ठीक है, एज द सन गॉट इट्स लाइट बैक. जैसे ही वो अपनी सूरज रोशनी अपनी वापस खींचता है, लेता है, ऑल द लैंडस्केप ऑफ द एरिया बिकेम क्लियर. और सारे के सारे एरिया जो है वो क्लियर हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं. लाइक कंडीशनर का वर्क होता है उसके ऊपर, कि सूरज हमेशा जो है वो तमाम जितने भी खेतों के ऊपर वो कंडीशनर का वर्क करता है, शाइनिंग पैदा कर देता है. ठीक है, द वर्ल्ड बिकेम मोर एंड मोर सॉलिड. दुनिया और ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, और सॉलिड दिखाई देती है, और रंगीनियों के साथ दिखाई देती है, तमाम तरह रंगीनियों के साथ. स्टिल पीपल हैड लर्न्ड द लेसन फ्रॉम द एक्लिप्स. और पीपल जो है वो एक्लिप्स से एक लेसन सीखते हैं. ठीक है, एक सबक सीखते हैं. वो क्या है कि कलर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो रंग हैं, कैन बी फिनिश्ड, वो क्या है कि खत्म हो सकते हैं. एंड दे आर नॉट परमानेंट. लेकिन परमानेंट खत्म नहीं हो सकते. जो निजाम इलाही है वो वैसे ही रहेगा. ये भी निजाम इलाही का एक हिस्सा है, लेकिन मखसूस टाइम के अंदर ग्रहण लगता है. ठीक है, और जब वापिस लौटता है तो वही वैसे ही दोबारा नेचर जो है वो अपना
वैसे ही आबोताब के साथ सारी चीजों के कलर, सब रंगत, वैसे स्माइल, सब कुछ जो है वैसे नुमाया दिखाई देता है। अल्लाह आपका हावी और नासिर हो, अल्लाह ब्लेस यू। जैसे हम लोग वीडियोज अपलोड करते हैं, आप लोग ज्यादा भी फीडबैक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मजीद फर्दर जो इसके क्वेश्चन हैं पीओ के हिसाब के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग के डिजायर के अकॉर्डिंग जो आप लोग इसके अंदर कमेंट के अंदर रिकमेंड करते हैं वो हम लोग उसका फीडबैक भी जरूर करेंगे। अल्लाह।